हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सस्ती चीज़ों से बना हुआ एक डाइट चार्ट, एंड इसमें आपके बहुत ही कम पैसे लगेंगे। बहुत ही लोकल चीज़ों से बना हुआ ये डाइट है, एंड ये वेट लॉस का डाइट चार्ट है जो कि स्पेशली समर्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। एंड बहुत ही बेसिक इंग्रीडियंट्स इसमें हैं जो कि लोकली किसी भी मार्केट में कहीं पर भी ईजिली मिलते हैं। बहुत सारे मेंबर्स मेरे पास इस तरीके के एनरोल करते हैं जो कि बेसिक ग्रॉसरी चाहते हैं कि हाँ, जस्ट बेसिक ग्रॉसरी से हमारा डाइट चार्ट बन जाए, हमें कुछ महंगा ना लेना पड़े। जब वहाँ पे कस्टमाइज हो सकता है तो यहाँ पे भी कस्टमाइज हो सकता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं वेट लॉस का डाइट, बट उससे पहले टॉप रूल्स, जो बेसिक रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं। ए पार्ट, स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल टाइम पर, 8 घंटे की नींद आपकी 6 से 8 घंटे की तो रखो, 4 घंटे की नींद में कुछ नहीं मिलना। सेकेंड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका मेंटल हेल्थ आपको अपने पास पूरा टेक केयर करके चलना है। थर्ड वन इज आपका वेट अपडेट, आपको डेली बेसिस पे अपना वेट चेक करना है। मैं 7 ईयर्स से ये चीज़ अपना एक मंत्रा लेके चल रही हूँ कि एवरी डे सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स ऑन योर बॉडी आपको वेट चेक करना है डिजिटल वेइंग मशीन पे, विदाउट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। पानी तक नहीं पीना, सीधा वेट अपडेट चेक करना है। अगर आपके बाउल मूवमेंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं देन गुड, इफ नॉट देन इट्स ओके, जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर क्लोथ्स एंड देन चेक योर वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइमिंग, मील के टाइमिंग्स आपको प्रॉपर मैनेज करके चलने हैं। एंड लास्ट, पानी। समर्स में अभी क्या है, पिछले 3 से 4 दिनों से बहुत सारे मेंबर्स की सेम कंप्लेंट है कि यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन मैसिव हो रहा है, बॉडी में बहुत हीट हो गई है, गर्मी लग रही है, और कुछ कुछ लोगों को ऐसा है कि सर्द गर्म होने की वजह से बुखार भी आ गया, खांसी, जुकाम, बुखार, गला बिल्कुल बैठ चुका है। सो अपने पानी का ध्यान रखना है। और धूप में सबसे बड़ी चीज़ समर्स की, धूप में बाहर जाना बिल्कुल बंद। लू चल रही है लिटरली, बाहर इतनी तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं, अगर कोई भी काम है सुबह 10 बजे से पहले कर लो, नहीं तो शाम के 6 बजे के बाद जाओ बाहर करने। बट अगर बहुत ही इमरजेंसी में आपको बाहर जाना पड़ रहा है, मेक श्योर आप अपने साथ छाता, अम्ब्रेला कैरी करो, एंड अपने साथ पानी की बॉटल, सिप सिप करके पानी पियो, और धूप में जाना बिल्कुल अवॉइड करो। सो अब हम चलते हैं अपनी किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। मेक श्योर आपके घर पे गार्डन ज़रूर होना चाहिए, है ना, जिसके अंदर तुलसी, करी पत्ता, एलोवेरा, आपका लेमन ग्रास, ये सब आपके पास गार्डन होना चाहिए। और ये सच में बहुत ही सिंपल तरीके से लोकल क्यारी पे भी मिल जाते हैं और महंगे भी नहीं होते। सो अब हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। ओके, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। उसके लिए हमें चाहिए फ्रेश एलोवेरा का प्लांट, ये रहा मेरे पास एलोवेरा की लीफ। हमें 2 स्पून जितना एलोवेरा का जेल चाहिए, वो भी फ्रेश। इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, एंड सबसे पहले हम इसे पील कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके हम बॉक्सेस बना के इसका जेल, सारा जितना भी जेल है हमने यहाँ से निकाल लिया है। सो हमें इतना जेल चाहिए एलोवेरा का। ओके, सो ये रहा हमारा ब्लेंडर, जीरा 1/2 चम्मच, एलोवेरा जेल, 7 से 8 हमारे पुदीने के पत्ते, 1/2 कप जितना पानी, और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ओके, सो हियर वी गो। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 लेमन जूस, मॉर्निंग ड्रिंक एब्सोल्युटली रेडी। सो ये था हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। मॉर्निंग ड्रिंक और ब्रेकफास्ट के अंदर जो टाइमिंग्स का गैप होना चाहिए वो 1 घंटे का होना चाहिए। 35-40 मिनट्स भी ले लो, बट 1 घंटे का तो रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारा मॉर्निंग ड्रिंक का टाइमिंग क्या होना चाहिए, 7 बजे तक आप उठो, 7:30-8 बजे तक मॉर्निंग ड्रिंक लो, 9 बजे से पहले आप अपना नाश्ता ख़त्म कर लो। सो नाश्ते में हम बनाएंगे हमारी प्याज की स्टफ़ रोटी, और इतनी यम्मी रोटी बनती है ये इसमें सारे मसाले डालकर। तो चलते हैं किचन में और हम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए हम बनाएंगे प्याज का स्टफ पराठा। सबसे पहले है जौ का आटा, नेक्स्ट इस ज्वार का आटा, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा पुदीने के पत्ते, 7 से 8 वॉश करके, चॉप करके। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है हरा धनिया, तल गया। इसके अंदर हम डालेंगे पिंच ऑफ अजवाइन, सूखा धनिया पाउडर, नेक्स्ट हिंग पाउडर, एंड नेक्स्ट इज भुना हुआ जीरा का पाउडर। उन सबको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
नेक्स्ट हल्का गर्म पानी लेकर हम इसको बहुत अच्छे से डो बनाएंगे. ओके एंड इट्स रेडी. ओके सो यहाँ पे हम बनाएंगे प्याज की स्टफ रोटी. सो ये रहा हमारा डो. ओके इसके अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी. नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे नमक क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं. ओके नेक्स्ट इस ये रहे हमारे बिल्कुल बारीक पिसे हुए प्याज. इसको हम रोल करेंगे. मेक श्योर आप नीचे एक कपड़ा यूज़ करें अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा. सो हियर वी गो. ओके सो हियर वी गो. दिस चपाती इज रेडी. आप वन टाइम में वन और टू चपाती ले सकते हैं. इट्स रेडी. अगर आपको ये रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है जी, हमसे नहीं खाया जाएगा, कोई बात नहीं. मेरे चैनल पे बहुत सारी यहाँ पे स्टफ रोटीज़ की रेसिपी है. आपको सिर्फ जौ और ज्वार का आटा अरेंज करना है या फिर बेसन और गेहूं का आटा मिक्स करके भी आप इतनी सारी जो स्टफ रोटीज़ हैं उनमें से कोई भी अपने लिए रोटी बना सकते हो. आपको ये सब खाने का मन नहीं है, हटा दो. सूजी बहुत सस्ती मिलती है मार्केट में, आप उपमा खा सकते हो, सूजी की बनी इडली खा सकते हो. इन दोनों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपको उपमा खाने का भी मन नहीं है, ये भी सब खाने का मन नहीं है, ना जी हमें तो नहीं अच्छा नहीं लगता. कोल्ड सैंडविच, ये नहीं, रिसेंटली मैंने कोल्ड सैंडविच की वीडियोस डाली थी, आप इनमें से पिक कीजिए और आप ले लीजिए. आप कोल्ड सैंडविच के अंदर घर की होममेड मलाई यूज़ करनी है या फिर थिक कर्ड यूज़ करनी है, बट मेक श्योर आप उसके अंदर कोई भी मेयो ना डालें. नेक्स्ट बात आती है मॉर्निंग में आपने मिल्क टी और कॉफ़ी लेनी है कि दूध वाली बनी हुई चाय लेनी है और कॉफ़ी लेने का बहुत मन है, क्या हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो. या तो आप बाउल ऑफ कर्ड ले सकते हो या फिर आप इसके साथ कॉफ़ी ले सकते हो या फिर अपनी दूध वाली चाय ले सकते हो. मेक श्योर उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चीनी नहीं डली होनी चाहिए. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. नाउ मिड ब्रेकफास्ट में लोकल सीजनल कोई भी फ्रूट, वाटरमेलन, मस्क मेलन, जामुन, पीचेस, प्लम्स, जो भी आपको लोकली सस्ता मिल रहा है आप वो कोई भी एक फ्रूट पिक करके ले सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की. नाउ मिड ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होना चाहिए हमारा 10:30 से 11 बजे के बीच का होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे. और अगर जो जो लोग मिड ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे उनको लंच तक इतना भूख लग जाएगा ताकि वो ओवर ईटिंग कर लें और अगले दिन हमारा जो वेट है वो बढ़ा हुआ भी आएगा और बलून की तरह टमी सूजा हुआ भी आएगा. सो मिड ब्रेकफास्ट जिनको लगता है ना एक खाना ही तो है, एक फ्रूट ही तो है, उसको स्किप नहीं करने का. अब हम बात करते हैं लंच की. नाउ लंच मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बजे से पहले हम ख़त्म कर लेंगे. स्टार्ट करो उसको 12 बजे से. 12 से 2 का विंडो है आपका लंच के टाइमिंग का. अब लंच में हम बनाएंगे बहुत ही यमी सी येल्लो मूंगे की दाल की हमारी टिक्की. और कैसे बनानी है वो चलते हैं किचन में. ओके अब येल्लो मूंगे की दाल तो हर किसी के घर में होती ही है, अब इसकी बनाएंगे हम टिक्की. ये मैंने आधे घंटे तक गर्म पानी में सोक करके रखी है. इसके हम 3 चम्मच जितने लेंगे एंड इसमें मैं पानी नहीं डाल रही, जस्ट हमारी मूंगे की दाल. और इसको अब हम ब्लेंड करेंगे. ओके सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे हमारी ब्लेंड की हुई दाल. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा कद्दूकस किया हुआ घिया जिसका वाटर हमने सारा रिमूव किया हुआ है. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे प्याज. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरी मुट्ठी भर जितना बेसन. खूब अच्छे से इस सबको हम मिक्स करेंगे. ओके नेक्स्ट इस ये रही हमारी टिक्की और ये हमने डाल दी हमारे नॉन स्टिक तवे पे. सेम पोर्शन पे आपने हाथ में लेना बिकॉज ये थोड़ा सा स्टिकी है. सो अपने हाथ पे टिक्की की शेप बनाइए लाइक दिस और इसको आप शिफ्ट कर दीजिए यहाँ. ओके अभी हमने इसको ढक रखा था. नाउ लेट्स चेक. Perfect. Okay.
है. Here we go. हमारी टिक्कीज बिल्कुल रेडी हैं. सिंपल यम्मी एंड सीरियसली यम्मी. वेलकम बैक जी. अगर आपको ये सिंपल इंग्रेडिएंट वाली टिक्की अच्छी नहीं लगती छोड़ दो. आप कोल्ड कॉफ़ी पिक कर सकते हैं. मेरे चैनल पे बतेरी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपीज़ हैं. आप कोई भी कोल्ड कॉफ़ी पिक कर सकते हैं. दाल सैलेड्स बहुत सारी मेरे चैनल पे रेसिपीज़ हैं, आप वो भी पिक कर सकते हो. पनीर की बनी हुई बहुत सारी रेसिपीज़ हैं. पनीर आप लोकली घर पे बना के भी आप पिक कर सकते हो. इनमें से कोई सी भी रेसिपीज़ आप पिक कर सकते हो जो कि बेसिक है, बजट में है. शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर, पनीर, आपका दाल, दाल की सैलेड, चने की सैलेड. प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डाइट की अगर हम बात करते हैं, साथ साथ फाइबर और कार्ब्स के साथ और फैट्स के साथ. सो प्रोटीन का जो बेस्ट टाइम मुझे लगता है वो लंच का लगता है. दालों का बेस्ट टाइम जो मुझे लगता है वो लंच का लगता है. अगर आप लंच में अपना प्रोटीन ऐड कर लेते हैं देन आपको ना तो वीकनेस आएगी, आपका वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से चलेगा, आपकी मसल अच्छी बिल्कुल हेल्दी रहेंगी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके बाल नहीं गिरेंगे कभी भी. नेक्स्ट हम बात करते हैं इवनिंग टी की. नाउ इवनिंग टी के टाइमिंग्स होते हैं 4:30 to 5. 5 से ज़्यादा डिले नहीं करने का. परंतु यहाँ पे इवनिंग टी में हम क्या लेंगे, मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे एपिसोड्स में टील टी का इंट्रोडक्शन दिया था. कोई भी फ्रूट आपके पास है, एप्पल आप खा रहे हो, खाया, उसका पील है, उसका पील बॉईल करके पी लेंगे. ऑरेंज आप खा रहे हो, ऑरेंज खा लिया, उसका पील बॉईल करके लेंगे. मैंने रिसेंटली बहुत सारी पील की टी बनाई थी एंड अनार की पील की टी मैंने बनाई हुई है, अनानास की पील की टी हमने बनाई हुई है. सो कोई सी भी पील की टी आप पिक करें और उसको ले सकते हैं. नाउ साथ में स्नैकिंग के लिए क्या जाएगा, स्नैकिंग के लिए या तो आप मखाना ले सकते हैं या भुना हुआ चना ले सकते हैं. और अगर इन दोनों को लेने का कोई मन नहीं है, आप अपना कोई भी सीजनल फ्रूट उठाएं. बेस्ट चीज़ इज़ अगर आप ऑरेंज की पील की टी बना रहे हैं तो ऑरेंज खा लो और पील उसका बॉईल करके पानी बना के ले लो. पील टी इतना बढ़िया वर्क करती है आपके बेली फैट पे, आपके साइड्स के कट पे. मैं खुद इस टी को ले रही हूँ. मेरे ख्याल से 5 से 10 दिन के अंदर मैं अपना एक जर्नी यहाँ पे पोस्ट करूँगी. आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 3.5 kg, जो कि बहुत सारा खाते खाते मैंने लूज़ करा है. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर डाइट पे हूँ, बिकॉज मेरा अभी रिसेंटली सब न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है तो मेरा आउटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट मैं खाते खाते लूज़ कर रही हूँ. सो ये मेरे साथ बेस्ट पार्ट है, ये पील टी ने मुझे बहुत हेल्प करा है. सो मैं चाहती हूँ आप सब अपनी डाइट में पील टीज़ को ऐड करिए. नेक्स्ट अब आती है बात डिनर की. नाउ डिनर करना, यहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं. अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है तब आपको कुछ गर्म चाहिए और कुछ ऐसा चाहिए जो आपका टेस्ट बिल्कुल ठीक कर दे दवाइयाँ खा खा के. या फिर अगर आपको जर्नली बाहर से आए और बहुत ज़्यादा आपको हीट स्ट्रोक हो गया, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए और कुकिंग करने का भी मन नहीं है. सो ऐसी सिचुएशन में ना मैं बना रही हूँ मैंगो रबड़ी. बहुत ही सिंपल, बहुत ही यम्मी. उसको गर्म भी ले सकते हैं, ठंडी करके भी ले सकते हैं. कैसे बनाना है चलते हैं किचन. ओके, डिनर के लिए हम बनाने जा रहे हैं मैंगो रबड़ी. यहाँ पे मेरे पास है मिल्क 1 कप मैंने ले लिया है यहाँ पर. ये मेरे पास फुल फैट मिल्क है. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी पिसा हुआ हमारा सौंफ और जीरे का पाउडर. इसको हम आँच तेज़ कर देते हैं. ओके, हमारा जो मिल्क है वो बॉईल हो चुका है. ओके, गैस हम बंद कर देंगे. अब नेक्स्ट इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा मिल्क. अब चाहे आप इसे ठंडा करके पिए या गर्म करके. अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है और आपका कुछ भी खाने का मन नहीं है बट आपको कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपका टेस्ट ठीक हो जाए, देन आप ये गर्म लेंगे. और अगर आपको इसको चिल्ड खाने का मन है देन आप सुबह इसको बना के जाएँ, फ्रिज में लगाएँ और रात को आके सीधा आप अपना डिनर करेंगे. यहाँ पर मेरे पास है मैंगो. ये मैंने गर्म दूध के अंदर हमारे मैंगो डाल दिए एंड इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है. परफेक्ट एंड हियर वी गो डिनर. वेलकम बैक जी. ये जो मैंगो रबड़ी है ना, कभी गरम गरम पीना और गरम गरम मैंगो खाना, सच में बता रही हूँ बहुत मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा. और नींद जो आएगी वो जन्नत. फॉर एग्जांपल आपको ये खाने का मन नहीं है, छोड़ दो. मैंगो वैसे बहुत सस्ते मिल रहे हैं इस समय, बट आपको मैंगो खाने का मन नहीं है, छोड़ दो. उसके अलावा शीरा, मेरे चैनल पे सूजी का शीरा भी है. अगर वो भी खाने का मन नहीं है छोड़ दो. आप मेरे चैनल से कोई भी बेसिक सैलेड पिक कर सकते हैं, दाल पेठा, दाल घिया, या फिर आप करेले का सैलेड पिक कर सकते हैं, आप भिंडी का सैलेड पिक कर सकते हैं, आप रॉ पपाया का सैलेड पिक कर सकते हैं मेरे चैनल से. या फिर उसके अलावा आप कैप्सिकम, शिमला मिर्ची, प्याज, टमाटर का सैलेड पिक कर सकते हैं. आप बॉयल्ड किए हुए एग्स भी ले सकते हैं और एग सैलेड का भी रेसिपी मेरे चैनल पे है. सो इनमें से कोई भी चीज़ आप पिक करके अपना डिनर कर सकते हैं. बट मेक श्योर स्टिक टू शीरा इस डाइट प्लान में.
शीरे पे ही स्टे करना। बेसन का शीरा मेरे चैनल पे है, सूजी का शीरा मेरे चैनल पे है, मैंगो रबड़ी मैंने आपको बता दी, मैंगो शेक भी आप पी सकते हो, बट कोशिश करना लिक्विड पे ही रहना डिनर पे। सो आई गेस दैट्स इट। एंड अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। सो नाइट ड्रिंक में क्या लेना है, चलते किचन। अब बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक में हम लेंगे एक गिलास जितना हमारा गर्म पानी, और साथ में हम लेंगे 2 से 4 तुलसी के पत्ते, और इसको पहले हम च्यू करेंगे, ऊपर से सिर्फ वाटर लेंगे, इसको बॉयल नहीं करेंगे, हम इसे च्यू करेंगे। एंड तुलसी का पौधा हर किसी के घर पे रहता है, और दिन में आप तुलसी का पत्ता तोड़ के रख सकते हैं, रात में नहीं तोड़ना। वेलकम बैक जी। सो अभी यहाँ पे ये जो डाइट मैंने पूरा आपको बताया है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ों से हैं, बट यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा वाटर का इंटेक कितना रहना चाहिए। 3.5 to 4 लीटर्स आप पानी लेंगे, बट मेक श्योर वो आप सिप सिप करके पियेंगे, जितना हो सके सिप सिप करके स्लो फॉर्म में पानी पीना है। चाहे आप खाने से पहले पी रहे हो, खाने के बाद पी रहे हो, बट मेक श्योर आप उसको झटके में अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम ना करो। जब आपकी बॉडी भूख लगने का फीलिंग करती है या प्यास लगने का फीलिंग करती है, तब ओवर ईटिंग होता है और बहुत ज़्यादा पानी पिया जाता है। आपका वेट लॉस का टारगेट में या वेट लॉस की जर्नी में आपने खाना खाने का इंतज़ार नहीं करना कि मुझे भूख लगी कि मैं खाना खाऊंगा। एक बेसिक मंत्र है, अगर आपकी बॉडी को भूख और प्यास दोनों आपने कंट्रोल कर लिया, विच मीन्स कंट्रोल कैसे करा, आप सिप सिप करके पानी पीते जा रहे हो, बॉडी को प्यास नहीं लगने दे रहे, टाइम टू टाइम खाना बॉडी के अंदर डालते जा रहे हो, बॉडी को भूख नहीं लगने दे रहे, आपका वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छा जाएगा, विदाउट क्रेविंग जाएगा, और बहुत अच्छे से आपकी जर्नी स्मूथ निकलेगी। सो आई गेस दैट्स ऑल, एंड आई होप आप सब लोगों का वेट लॉस बहुत अच्छा जाए, एंड आप लोग अपनी फिगर में वापस आओ और अपना स्लीवलेस पहन के और अच्छे से फिगर लेके घूमो, एंड हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, बीमारियों से बच के रहेंगे। सो या दैट्स इट। एंड इस डाइट से ईजिली यू कैन लूज 8 to 9 kgs इन अ मंथ, एंड या आई गेस दैट्स इट। सो आई विल सी यू सून, टेक केयर जी, बाय बाय।